हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कंटेंट क्लास से। टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल लर्न अबाउट एनसीईआरटी क्लास 9th। यह जो चैप्टर होने वाला है, इसमें हम सीखने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 के अंदर। तो यह जो चैनल है क्लास 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। देखिए, हम बहुत बेसिक से इस चैप्टर को अच्छे तरीके से हम समझेंगे, फुल कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और इसका जो नोट्स है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, या फिर लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, और चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो को स्किप ना करें, तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, ग्रेविटेशन जो आता है, ये वर्ड उत्पन्न कहां से होता है? ग्रेविटेशन मीन्स होता है, इसका डिफिनेशन होता है कि फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स ड्यू टू मासेस ऑफ द बॉडीज इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका सबसे पहले जो आता है पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी कि दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है, यानी कि दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, इतना समझ लो कि ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है और दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में होती है। दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में होती है और ये अट्रैक्टिव होती है। आगे देखो, आगे आता है तुम्हारा ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी क्या होता है? अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड इट बाय एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज द ग्रेविटी। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, बट उसमें दो ऑब्जेक्ट में जब अर्थ होता है तो उसे हम कह देते हैं ग्रेविटी। क्या कह देते हैं? ग्रेविटी। हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, पर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर अर्थ हो, अगर अर्थ है, तो उसे हम कह देते हैं ग्रेविटी। यहीं से आता है तुम्हारा ग्रेविटी। इसमें तीन पॉइंट्स आते हैं, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हारा आता है कि फोर्स बिटवीन अर्थ एंड फैलिंग अप, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, फोर्स बिटवीन मास एंड सन। तो इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले देखो, सबसे पहले है कि फोर्स बिटवीन अर्थ एंड फैलिंग अप, यानी कि ये जो इसमें जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या ये ग्रेविटी है? जैसे कि आप जब एग्जाम दोगे तो उसमें आपका एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर पीवाईक्यू में जरूर पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चंस। तो यही पूछेगा आपसे कि क्या ये ग्रेविटी है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी है? यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या ये ग्रेविटी है? यस है। कैसे है? क्योंकि ये अर्थ है। मैंने आपको क्या बताया? ग्रेविटी वाले, ग्रेविटी मीन्स क्या बताया? कि दुनिया के मतलब कि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, और अगर वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर एक अर्थ है तो उसे हम ग्रेविटी कह देते हैं। तो इसी प्रकार से कि फोर्स बिटवीन अर्थ एंड फैलिंग एप्पल, यानी कि इसमें अर्थ जो है, क्या ये एप्पल वाला तो कहानी में आगे आपको बताऊंगा, आप पढ़े भी होंगे, तो अर्थ जो है इसमें क्या है? ग्रेविटी है। हाँ है, तो मतलब ग्रेविटी इसको, यानी कि ये है। आगे देखो सेकंड में क्या, कि फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, क्या ये इसमें ग्रेविटी है? हाँ है, क्योंकि इसमें टू ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। फर्स्ट आ रहा है तुम्हारा, क्या आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है अर्थ, सेकंड आ रहा है मून। तो अर्थ जो है, अर्थ है, तो यस इसमें ग्रेविटी है। थर्ड में है कि फोर्स बिटवीन मास एंड सन, क्या इसमें ग्रेविटी है? नहीं, इसमें ग्रेविटी नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं, लेकिन इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इसमें ग्रेविटी नहीं है थर्ड वाले में, और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर को हम नीचे गिराते हैं, ठीक है, हम अर्थ पे हैं, अर्थ से हम मार्कर को नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, तो ये नीचे गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक आता है सिचुएशन में कि जैसे कि ये गिर रहा है तो ये फोर्स लग रहा है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये नीचे गिर रहा है। लेकिन अगर यही हम मार्कर को मून पे जाके गिराएंगे तो क्या ये गिरेगा? हाँ गिरेगा, आगे बताऊंगा। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हाँ, इसमें जो ग्रेविटी है, इसमें तुम्हारा ग्रेविटी नहीं है, पर तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आंसर में लिख देगा कि ग्रेविटी नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स है। आगे देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी क्या होता है? जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कि क्या हुआ था कि
एक महान साइंटिस्ट, एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा काम किए, शायद ही किसी ने किया होगा, और उनका नाम आप जानते हैं सर आइज़क न्यूटन जी। उन्होंने वो क्या किए थे, एक बार वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो जो सेब था वो नीचे आया, तो उन्होंने सोचा कि यार ये जो सेब है ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने डिस्कवर किया और उन्होंने बताया कि दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वजह से ये होती है। और उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया न्यूटन्स, क्या किया उन्होंने डिस्कवर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया कि न्यूटन्स डिस्कवर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हेंस गिव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट विथ सेम ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यहाँ पे यह जो मेन पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देखो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मास के प्रोडक्ट के, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मास के, क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके मास के प्रोडक्ट के, यानी कि यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है। और सेकंड में ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d2। और इस दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन 1 और 2, तो निकल के क्या आता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m² / d2। F इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम स्क्वायर डी स्क्वायर और G इक्वल्स में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं M1 है और M2 है, यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है और ये जो है आपका D है। ये क्या हो रहा है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसका, मास के प्रोडक्ट के। इतना समझ लो कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट के मास के। ठीक है, तो ये होता है आपका। अब आगे जो नोट करने वाली बात है, यहाँ पे आप इसके बारे में समझ गए हैं कि न्यूटन जी जो थे उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब आगे जो आपका आता है यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन यूनिवर्स, या जो लॉ है वो एप्लीकेबल है यूनिवर्स। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दस इट इज नोन एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका जो एसआई यूनिट होता है ना वो कैपिटल जी, एसआई यूनिट यानी कैपिटल जी का एसआई यूनिट क्या है, तो द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वाज फाउंड आउट बाय हेनरी ए ब्रिटिश फिलोसफर एंड साइंटिस्ट, यानी कि एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया अर्थशास्त्री थे, उन्होंने मतलब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, बताया वैल्यू, बताया किसका, कैपिटल जी का, फाउंड किया। और द एसआई यूनिट कैपिटल जी इज nm² kg², इसका जो एसआई यूनिट होता है ये होता है, जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट इज हैविंग सेम, यानी कि दुनिया में कैपिटल जी का जो वैल्यू है वो क्या है, यूनिवर्स में है, यानी कि दुनिया यानी ब्रह्मांड में जितना भी ऑब्जेक्ट है हर ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो सेम है, और ये किसके अंतर्गत आता है, जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट है उसके सेम क्या होते हैं, उनके सेम कांस्टेंट होते हैं, ऐसे समझ लो आप, उनके सेम वैल्यू होते हैं ऐसे समझ लो, और थ्रू आउट द यूनिवर्स। अब इसका अगर हम कैपिटल जी का यूनिट देखें, मतलब कि ये जो nm² kg² जो आया ये कैसे आया, इसका यूनिट ऑफ केजी होता है यानी यूनिट ऑफ कैपिटल जी का, तो एफ इज इक्वल्स में gm m² और डिवाइड में d², तो इसको हम कैसे डिनोटेड करेंगे, कैसे हम इसको बनाएंगे, तो एफ डायरेक्टली एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइड में m1 इंटू m²
और इसका जो यूनिट ऑफ जी आएगा लास्ट में, जब इतना प्रोसेस करने के बाद जब आप बनाइएगा तो जब इसका निकल के आएगा यूनिट में एसआई यूनिट कैपिटल जी का, तो आएगा आपका यही आएगा कि एन एम स्क्वायर के जी माइनस टू। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए न्यूमेरिकल के बेस पे तो इस टाइप से आप बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली पूछा जाएगा अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहेगा कि टिक देना है तो दी एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, यानी कि कैपिटल जी का एसआई यूनिट क्या है, तो ये है एन एम स्क्वायर के जी स्क्वायर। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम जो देखने वाले हैं वो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या चीज है। सबसे पहले इसमें तीन पॉइंट्स है, बारीकी से समझ लो तो आपको समझ में आएगा। पहला पॉइंट जो आता है इसमें कहता है कि दिस लॉ एज एप्लीकेबल टू एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो किस पे एप्लीकेबल है, यानी कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि इसमें सेकंड जो पॉइंट दिया हुआ है कि दिस लॉ एक्सप्लेन्स द केसेस ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ मून अराउंड अर्थ, द रेवोल्यूशंस ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। यानी कि जैसे कि पहले वाला मैंने आपको बताया पॉइंट में कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस पे एप्लीकेबल है यूनिवर्स में, यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एप्लीकेबल है, और धरती पे चीजें मेंटेन्ड कैसे रहती है। सेकेंड में हमें यह बताता है सेकेंड पॉइंट में कि धरती पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो मेंटेन्ड कैसे रहते हैं, चाहे आप हो हम हैं, जितने भी चीजें हैं वो मेंटेन्ड कैसे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं रस्सा कूद रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं रस्सा कूद रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, जब मैं नीचे कैसे आऊंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो ठीक है, तो यही इसमें कहा जाता है सेकंड में कि धरती पे चीजें मेंटेन्ड कैसे रहती है। और थर्ड में क्या है कि दिस लॉ एक्सप्लेन्स द केसेस ऑफ नेप एंड टाइड ड्यू टू मून एंड सन, यानी कि धरती पे टाइड आना भी क्या है, धरती पे क्या है टाइड आना, यानी कि धरती पे जो टाइड आता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। धरती पे जो टाइड आना वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। टाइड मतलब होता है कि आप बचपन में पढ़े होंगे कि हमारा जो सन है, सन और मून जो है वो पृथ्वी को खींच रहा है, बचपन में आप पढ़े होंगे, तो वो किसकी वजह से करा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और ये जो होता है तुम्हारा ये टाइड कहलाता है, सिंपल है। अब लास्ट जो इसमें टॉपिक आता है ना, फ्री फॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्री फॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट फेल्स फ्रॉम एनी हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यहां पर फोर्स ओनली, इट इज फ्री फॉल, इट इज नोन एज द फ्री फॉल। यानी कि थर्ड में जो दिया हुआ है फ्री फॉल, यानी क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है तो फ्री फॉल में गिर रहा होता है, तो फ्री फॉल में सिर्फ एक ही फोर्स ही लगना चाहिए, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल फ्री फॉल यानी होता है क्या, मोटा मोटा मतलब बता देता हूँ आपको फ्रेश से कि फ्री फॉल यानी होता है क्या, जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है तो फ्री फॉल में बस एक ही ऑब्जेक्ट, बस उसमें क्या होना चाहिए कि एक ही फोर्स लगना चाहिए, और वो होता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके अलावा कोई नहीं चलेगा भाई। क्यों चलेगा, सिर्फ और सिर्फ चलेगा फ्री फॉल, फ्री मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई भी नहीं चलेगा, ये हमेशा याद रखना। तो यही होता है फ्री फॉल, फ्री फॉल बस इसमें है कि याद रखना कि इसमें मतलब एक ही ऑब्जेक्ट होता है और ये होता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक था क्लास 9 के अंदर था वो ग्रेविटेशन चैप्टर था, ग्रेविटेशन हमने बहुत अच्छे तरीके से समझे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।